हे गाइस, वेलकम बैक टू मंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपको बहुत सारा शोर भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, मैं बस कारगिल चौक से अंदर आते हैं जो मेट्रो की लाइन चल रही है उस एरिया में, तो इधर अगर एक जनता होटल है वहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है और आप गली में, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो गली देख कर आप हैरान हो जाओगे, इतना ज़्यादा कंजस्टेड, इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं, आप मतलब चल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे रुके हुए थे रात को, वैसे नींद तो अच्छी आई पर सेटिस्फाइड हूँ लोकेशन से और यहाँ के मतलब होटल भी ठीक ठाक सा है, पर कार्लसन्स में रूम नहीं मिला इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। पर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ का व्यू क्या है, मतलब गली देख कर आप हैरान हो जाओगे कसम से। मैं पटना के नेहरू पथ पे हूँ, पीछे नेहरू पथ है, अपन साइड में ही चलेंगे, नहीं गाड़ी मेरे साथ ही ले जाते हैं। तो भाई हुआ ये कि यहाँ पे ना मनीष कश्यप के रिहाई के लिए 11 लाख हनुमान चालीसा हिंदू पुत्र संगठन के जो मेंबर हैं वो लोग बांट रहे हैं, ऑल इंडिया में वैसे बांट रहे हैं, पर यहाँ पे इस मंदिर के सामने बांट रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग आए थे इनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो खुद भी नागेश सम्राट भी खुद भी जेल गए थे, तो उनसे मिलना भी था, तो मिल भी लिए और वो बांट रहे थे। और मैं बताऊं कि आते आते एक चीज़ देखने को मिली और वो ये थी कि भाई अगर पटना में जैसे था ना, अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाओ बाइक पर और चूँ करके उठते जाओ, कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि जब से मरीन ड्राइव और अटल पथ बना है तो हाईटेक रोड होने की वजह से लोग बहुत उड़ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। तो ये चीज़ रोकने के लिए पटना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है भाई, उनके पास स्पीड ट्रैकर आ गया है और वो लोग चालान काट दे रहे हैं। तो आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बैठा रहे हो और उड़ रहे हो तो संभल कर उड़ो, जहाँ पर आपको पुलिस दिखे या स्पीड ट्रैकर दिखे, मशीन दिखे, कैमरा दिखे, आप अपना कंट्रोल में रखना, वरना कटवाओ लोगे चालान, कुछ और नहीं, ज़्यादा मत सोचा करो। खैर देखते हैं थोड़ी देर में और कहाँ जाना है। रात हो चुकी है और रात के 11 बज चुके हैं, अभी हमारा खाना बाकी है, लेकिन फिलहाल हम कार्लसन्स होटल में आ गए हैं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।